सोनिया की जी की तबीयत खराब थी मैं मानता हूँ, लेकिन पप्पू पपुआइन तो आ सकते थे, वो कोई नहीं आए। पपुआइन और वही नहीं, वो पिंकी 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 वही प्रियंका तो आ सकती थी। प्रियंका क्यों नहीं आई? राहुल क्यों नहीं आया? पांच साल में एक दो बार तो घूम सकता था, क्यों नहीं आया? वो सुपर पीएम थी उनकी माँ। और रायबली का विकास कितना कर दिया उस समय। मैं तो टेलीफोन इंडस्ट्री का अकाउंट अफसर था, 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती थी। कांटे की टक्कर बताई जा रही, कह रहे कि राहुल गांधी को विजयश्री होना तो कोई रोक नहीं सकता है। ये कौन कहता है? खिलेगा कमल आपकी, ये भ्रम है। अच्छा। कमल ही खिलेगा आपकी। और बताइए, राहुल गांधी जैसा नेता काहे के नेता कभी आए रायबरेली? गरीबों को दुख दर्द सुना? बताइए हमको, जिसको स्पीच देने का लहजा नहीं है, भाषण देना नहीं आता है, वो चुनाव जीतेंगे? यहाँ से नहीं, बाहर से पढ़ के आए, पढ़े लिखे नहीं। कहाँ बाहर से कहाँ पढ़ के आए? यहाँ ये भारतीय परंपरा की वेशभूषा में पढ़ा लिखा माना जाएगा। यहाँ कॉन्फ्रेंस और बीबीसी वहाँ लंदन से पढ़ के वालों को नहीं है स्थान। अच्छा, कई लोग ये आरोप लगा रहे बाहर से वहाँ से भाग गए। अरे भागने क्या, ये परिवार नहीं है। कौन यहाँ किया, क्या किया यहाँ कुछ नहीं किया। 5 साल सोनिया जी थी, आई देखने, जनता को दुख सुनने आई, कभी नहीं आई। अरे वह परिवार के वोट मांग रहे हो, जब जीते के बाद खाली बार नहीं लिए आवा यार। जब अपन प्रमाण पत्र के बात करा तो कहाँ मार गंधैला लोगन के बात कर। जय जय सीताराम करो, राम राम करो, राम राम भैया। घोड़े करे मन में इच्छा जग रही है, वही परिवार के लोग साथ देंगे जो अमेठी में देते थे। अच्छा तो सुनो, बहुमत के लिए कितना स्थान चाहिए? पूरी सीटें भी तो नहीं खड़ी किया इन्होंने, ये सरकार चलाएंगे? बताइए हमको, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में कितने पूरे सीटों पर खड़ा किया है, और इनकी कितने सीटें हैं? क्या जीत के कर लेंगे? एक दो सीट पाएंगे तो क्या विकास करेंगे रायबरेली का? यूपी में दो युवा, एक अखिलेश और दूसरे। अरे युवा हुआ कुछ नहीं, एक नशेड़ी दूसरा नशेड़ी, एक नशेड़ी दूसरा नशेड़ी, क्योंकि वही बोल के गए थे कि देश का युवा नशेड़ी है, तो खुद भी नशेड़ी है, बाकी तो कुछ कहने ही नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के उनको नशेड़ी कहा, बनारस के उसको, तो उसका जवाब जनता देगी। हम लोग सनातनी है, सनातन का अपमान करने वाले। इधर आइए, 80 सीट में 17 सीटों पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए वाले, तो वो कह रहे हैं हम जो है राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो है चुनाव जो है वो सरकार बनाएंगे। कैसे सरकार में जीत? युवा है। अरे युवा नहीं, वो भगेड़ू पप्पू है, युवा नहीं है, भगेड़ू पप्पू है। भगे हैं रायबरेली से भगेंगे, वायनाड में सिर्फ उनका स्थान है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ काशी और श्री राम है। हाँ, उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान है, उनके श्री राम नहीं है। नहीं, श्री राम नहीं है उनके लिए, श्री राम नहीं है। विरोध किया, सुने, रावण का कुल नाश हो गया, राम विमुखा सहाल तुम्हारा, और रहा न कुल रोवन हारा। राम विरोधी यहाँ राज नहीं करेगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे कहते को राम विरोधी है, वो मंदिर नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? मंदिर नहीं जाता वो, खाली टोपी लगाई जाता, मंदिर नहीं जाता, मस्जिद जाता, मंदिर नहीं जाता वो। मंदिर बुलाया गया नहीं गया, वो बुलाया गया नहीं गया। अरे वो जंगल देखती बहनता है, वो गाय गोश्त खाने वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पर गाय गोश्त खाना है, ईसाई है, ईसाई ईसाई कथाई। इंसान नहीं होता है, ईसाई इंसान होता, लेकिन ब्राह्मण कहाँ से हो जाता है ईसाई, ये बताइए आप। ब्राह्मण कैसे हो जाएगा ईसाई? ईसाई को वहाँ ब्राह्मण का जातिवाद है क्या? वहाँ जाति है क्या? जाति कोई से विकास के नाम पे इस बार वोट पड़ेगा, चेहरा और वो सब नहीं। मोदी जी विकास किया है गरीबों के लिए, 70 साल में सड़कें बनी है, 10 साल में उससे 3 गुना सड़कें बनी है। क्या बात करते हो आप, केवल उनका काम नाम लेते हो। रायबरेली को कहां से कहां पहुंचाया सिर्फ सोनिया ने, सोनिया ने पहुंचाया। एक 5-10 साल में बनारस को कहां से कहां पहुंचा दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ को कहां से कहां पहुंचा दिया था, और अयोध्या देख लीजिए, काशी मथुरा को देख लीजिए कितना विकास हुआ है। अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। रायबरेली मेरा परिवार अब मुझे गले से लगाएगा। परिवार नहीं है वो, परिवार जब तक थप हो गया, वो चूतिया बना के जाता था, चूतिया बना ऐसे हाथ लगा के भाग जाता है, वो परिवार नहीं है। परिवार को तो आना चाहिए उसको, 5 साल कभी आया है वो,
पाँच साल सोनिया जब नहीं आई तो पप्पू क्या आएगा? भारत जोड़ो यात्रा नहीं आया। अरे कहाँ गया, किधर से निकल गया, ऐसे हाथ हिला के वो कहाँ गया? कहीं हाथ हिला के जाना है क्या? ये रायबली है, रायबली चूतिया बनाने वाली रायबली नहीं है। सोनिया की दी की तबीयत खराब थी मैं मानता हूँ, लेकिन पप्पू पपुआइन तो आ सकते थे, वो कोई नहीं आए। पपुआइन और वही नहीं, वो पिंकी 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 वही प्रियंका तो आ सकती थी। प्रियंका क्यों नहीं आई? राहुल क्यों नहीं आया? पाँच साल में एक दो बार तो घूम सकता था, क्यों नहीं आया वो बताइए आप? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आई थी यूपी चुनाव के दौरान, नहीं आई। लड़की हो तो लड़ सकती हूँ, लेकिन जब राजस्थान में सरकार थी तब दलित लड़कियों का बलात्कार हुआ था, तो वहाँ क्यों नहीं गई थी? आप तब कोई मुसलमान दलित लड़कियों के साथ बलात्कार करता वहाँ क्यों नहीं जाती? केवल मुसलमान की लड़की लड़की है, उनके लिए लड़की है। तब हिंदुओं की लड़कियों के साथ बलात्कार मुसलमान करते हैं, लव जिहाद करते हैं, तब कहाँ चली जाती है बताइए आप? केवल उनका बच्चा की राजनीति नहीं करते हम, स्नेह और प्रेम की राजनीति। तो केवल मुसलमानों से स्नेह करते हैं और भेदभाव मुसलमानों से करते हैं, वो हिंदुओं से भेदभाव करते हैं, मुसलमानों से स्नेह करते हैं, क्या करते हैं? तो 70 वहां से कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू भगाया गया था, तब उनका कहा था क्या बात करते हो आप? अब बताइए आगे। 370 हटने से रायबरेली को क्या फायदा भाई? रायबरेली को फायदा नहीं है तो पप्पू को यहाँ सांसद बनाने से क्या फायदा होगा, ये बताइए? तो 370 हटने से फायदा नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ दें, आप जान लीजिए प्रधानमंत्री तीन उनके परिवार के बन गए, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब बताइए आप? रायबरेली का विकास देख नहीं रहे हैं, फैक्ट्रिया दे दिया, कौन सा फैक्ट्रिया खा गए कमीशन खोरी में, कौन सी ट्रेन दे दी बताइए? 10 साल तक केवल झुंझुना हलाते थे, तब मोदी सरकार आई तब इसमें काम चला, तब उत्पादन हुआ, तब कर गया, केवल वोट लेने के लिए करते थे, और क्या किया उन्होंने बताइए? मोदी सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ करते होते नहीं। कहाँ बांटने की राजनीति करते हैं, क्या बांट दिया बताइए? जरूरतमंद को अगर सहायता करना बांटने की राजनीति है तो अच्छी बात है, अगर हर जरूरतमंद की सारा कहीं भेदभाव नहीं किया, मोदी जी भेदभाव नहीं करते। और मोदी से आप कह रहे हैं कि देश बांटने की बात करते हैं, जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया, और अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो गलत है, इस देश में धर्म की ही पहले बात होनी चाहिए, क्योंकि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना धर्म के आधार पर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान राष्ट्र क्यों नहीं बना? कांग्रेस जवाब देगी, कौन देगा जवाब? कांग्रेस कहते हैं हम सबको साथ लेके चलने का, किसका साथ, किसका साथ? केवल चंद परिवारों का साथ दिया, चंद परिवारों का विकास किया, इस देश का क्या विकास किया? इस देश की आर्थिक स्थिति कहाँ थी, आज देखिए कहाँ, जीडीपी कांग्रेस के रिजीम में कहाँ थी, आज कहाँ थी? आज देखो देश में सड़कों का जाल प्रधानमंत्री अटल जी के आने के बाद बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस के रिजीम में कितनी सड़कें बनी, एवरेज देख लो 10 साल का और 70 साल का बराबर आएगा। यही राहुल गांधी जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि ये तानाशाह हैं मोदी, और इस बार उखाड़ फेंकना है सरकार। तानाशाह इंदिरा गांधी थी, ये तानाशाह नहीं है, तानाशाह इमरजेंसी लागू कर दिया था। तानाशाह कौन? इंदिरा गांधी से बड़ा इस देश में कोई तानाशाह पैदा हुआ जिसने इस देश को अपने स्वार्थ के लिए खुद चुनाव हार गई और राज इमरजेंसी लगा दिया इस देश में, खुद का चुनाव हाई कोर्ट से हारने के बाद इस देश में आपातकाल लगा दिया, 100 साल और 90 साल के बूढ़ों को तार काटने के चोरी में जेल भेज दिया, उससे बड़ा इस देश में कौन तानाशाह पैदा हुआ? इंदिरा गांधी से बड़ा इस देश में कौन तानाशाह? सारा पूरे देश ने झेला, और आप कहते हैं कि तानाशाह जिसने लोकतंत्र को जिंदा रखा है वो तानाशाह नहीं, परिवारवाद खत्म हुआ, क्षेत्रीयवाद समाप्त हो रहा है, केवल राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, और राष्ट्रवाद होना चाहिए, अगर राष्ट्रवाद करने वाला तानाशाह है तो इस देश को ऐसा तानाशाह चाहिए। चाहिए कर ये संविधान खत्म करने की पूरी तैयारी है, और आप तो बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार कह रहे हैं 400 पार, इसीलिए तो चाहिए संविधान की मूल भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाया था। इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में सेकुलर शब्द संविधान को बदल कर किया था, इंदिरा गांधी ने संविधान बदला, संविधान कहाँ, और संविधान में 143 बार बदल चुका है, संविधान बदलने की क्या बात करते हैं? पप्पू को कुछ मालूम भी है? पप्पू को पप्पू ही कहा जाएगा, राहुल गांधी है वो, कहाँ के राहुल गांधी, नकली गांधी, प्रियंका जी के भाई है। प्रियंका कौन सी, क्या समाज के लिए, देश के लिए क्या कर दिया, देश के लिए क्या किया प्रियंका ने? इंदिरा जी की छवि दिखती है प्रियंका में,
फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना चाहिए। अरे वो तो मॉडल बच्चे घूमते हैं, साड़ी पहनते हैं, फोटो कॉपी है तो यही तो कह रहे हैं ना, फोटो समझिए ना, कर जो छवि और आयरन लेडी कही जाती थी, अगर उनमें छवि दिख रही तो मौका दे दीजिए ना उनके भाई को एक बार। परिवार के लोग हैं, नहीं मानते परिवार के लोग। परिवारवाद होना ही नहीं चाहिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को, मानसिक रोगियों को कतई इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता और उन्हें सांसद भी नहीं बनाना चाहिए। गांधी को मानसिक रोगी कह रहे हैं आप? एकदम शुद्ध मानसिक रोगी हैं, क्योंकि उनका मानसिक विकास उनकी आयु के 10 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सेठी ने पीजीआई के इलाज किया उनका, वो स्वतः जन्मजात मानसिक रोगी हैं। मोदी किससे मिलते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति से मिलते हैं, बड़े बड़े राजघरानों से मिलते हैं। अगर मिलता है राहुल गांधी तो गरीब से मिलता है, किसान से मिलता है, मजदूर से मिलता है। यही तो खूबसूरती है कांग्रेस पार्टी को, कह रहे हैं आगे ले जाने की बात करता है। जहां एसपीजी के कारण बड़े बड़े सांसद उनके नहीं मिल पाते, वहां गरीब मिलेगा? फोटो खिंचाने के लिए कलावती के यहाँ रोटी खाने जाते, रोटी खाई नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा करते रहे कि मैंने कलावती के यहाँ भोजन किया दलित के यहाँ। और कलावती का लड़का उसके बाद आत्महत्या कर लिया था, इनकी सरकार थी 2011 में। आप पत्रकार, आप उसको देख के देखिए, गूगल में सर्च करिए। कहते 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 कि जो जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए, चाहे अमेठी को उठा के देख लीजिए या रायबरेली को उठा के देख लीजिए, पूरे देश की बात करिए, अमेठी और रायबरेली निजी क्षेत्र की बात मत करिए, निजी काम की। देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को देखना चाहिए, केवल अपनी संसद सीट को नहीं। प्रधानमंत्री कहाँ रहे होगा जी भाई? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सुपर पीएम थी उनकी माँ, और रायबरेली का विकास कितना कर दिया उस समय। मैं तो टेलीफोन इंडस्ट्री का अकाउंट अफसर था, 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, 6-6 महीने सरकारी सेक्टर की, और प्राइवेट सेक्टर को ऐश कर रहे थे लोग। इस फैक्ट्री का, इस देश में जो आईटीआई की फैक्ट्री थी, कभी नवरत्नों में से हिंदुस्तान की पहली पब्लिक सेक्टर थी, और कांग्रेस रिजीम में ही सुखराम मंत्री थे, उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। एक एक माह के वेतन के लिए लोग परेशान हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ छूटने के कगार पा गई कांग्रेस के शासन में। कांग्रेस का जो शासनकाल था, क्या नहीं दिया? एम्स नहीं दिया, क्या IIM नहीं दिया, क्या डेवलपमेंट नहीं था, हाईवेज नहीं थे? आज तो सब लोग कहते हैं कि 14 के बाद से ही भारत बना। हाईवे कितने थे, कितने हाईवे थे, और 14 के बाद कितने हाईवे बने, कितने किलो, हजारों किलोमीटर जो नए सड़कों का निर्माण हुआ, आप उनको देख लिए, 70 साल बनाम 10 साल की तुलना करके देख लिए, 10 साल भारी पड़ेगा, 70 साल का प्रसंग तरह उठ जाएगा।